बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये भी एक क्वेश्चन देखें, ये भी इंटीग्रेशन का यूज है। अकाव सज्जे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, गिवन दैट द पॉइंट 38 लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखिए, सबसे पहले जो ग्रेडियंट दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, आप देखें, मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो ये डी वाई इधर, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेट में करूँगा दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेट बोथ साइड डी वाई, और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स की इंटीग्रेशन दोनों साइड पे, डी वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई, क्योंकि ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट दिया गया है, लेकिन जनरल पॉइंट पे। तो हम बहरहाल इसका हमने इस तरह किया, वाई आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब्ड माइनस फाइव एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, लेकिन इसमें सी की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्योंकि कर्व एट, ये थ्री एट से पास हो रहा है, तो इसमें मैं थ्री एट पुट कर दूंगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वाई है एट, ये टू अपॉन थ्री, और ये थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सी, ये हो जाएगा एट, टू अपॉन थ्री, ये हो जाएगा इंटू ट्वेंटी सेवन, थ्री का क्यूब माइनस ये फिफ्टीन प्लस सी, वन थ्री ज़ा थ्री, ये नाइन टाइम्स, तो ये एट आ जाएगा, 18 टू नाइन जा 18 माइनस 15 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 3 प्लस सी, तो सी आ जाएगा 8 माइनस 3 के या 5 के, तो सी 5 के आ गया। तो मैं कहूँगा हैंड्स इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब्ड माइनस 5 एक्स प्लस फाइव। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एक न्यू चेंज थी, न्यू ट्रेंड था, तो वो मैंने इसी वजह से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया।